हमले से घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। तीन युवकों ने बुधवारी बाजार में युवक पर डंडे से किया था प्राणघातक हमला। शक्ति के बुधवारी बाजार में तीन युवकों ने युवक राजू लाल उर्फ रोशन पर डंडे से प्राणघातक हमला किया था। इससे युवक राजू के सिर में गंभीर चोट आई थी। रायपुर में इलाज के दौरान घायल राजू लाल उर्फ रोशन की अस्पताल में मौत हो गई। दरअसल टेमर गाँव का युवक राजू लाल उर्फ रोशन पानी टंकी के पास काम करके आराम कर रहा था, तभी तीन युवक आकर वहां पर बुजुर्ग से गांजा पीने के लिए चिल्लम की मांग करने लगे। चिल्लम नहीं देने पर गाली गलौज करने लगे, जिसे मना करने पर बांस के डंडे से प्राणघातक हमला कर दिया था। इससे युवक राजू लाल उर्फ रोशन के सिर में गंभीर चोट आने से शक्ति अस्पताल से उसे रायगढ़ रेफर किया गया था। फिर गंभीर स्थिति होने पर रायपुर में भर्ती किया गया था, जहां वह कोमा में चला गया था और घायल राजू लाल उर्फ रोशन ने दम तोड़ दिया है। युवक पर प्राणघातक हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन्हें जेल भेजा जा चुका है। वही फरार एक अन्य आरोपी मानव सिराज की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मामले में धारा 307 के तहत जुर्म दर्ज किया था और अब अस्पताल से मेमो मिलने के बाद पुलिस मामले में हत्या का जुर्म दर्ज करेगी।